लेफ्ट 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 वेलकम टू कुड़ाल। हमारा होटल का नाम है हाउस ऑन वेव्स। वहाँ पे सब बैग रख के फिर हम जाएंगे स्कूबा डाइविंग। सब अभी बता देगा। स्कूबा डाइविंग तो करने आए आप, और क्या करने आए? तो हम आए मुंबई से कुड़ाल स्टेशन, फिर कुड़ाल स्टेशन से हम जा रहे हैं मालवन 45 रुपीस एसटी बस में, एंड देन वहाँ से जाएंगे देवबाग 200 रुपीस रिक्शे से। हाँ वही है। होटल को कितना टाइम है? 2 मिनट। 2 मिनट में? यस। 2 मिनट बोल बोल के साला 1 घंटा घुमा दिया तूने। तो हम तैयार है अभी तारकर्ली बीच जाने के लिए। क्या करने के लिए? स्कूबा डाइविंग करने के लिए। तो ये ग्रीनरी के यहाँ से हम चलते हुए जा रहे हैं। अभी देखेंगे वहाँ पे रिक्शा विक्शा कुछ मिल नहीं रही है, बाइक चल के जा रहे बीच पे। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम जा रहे हैं तारकर्ली बाय वॉक। कहाँ पर है पता है तारकर्ली? इतना लंबा जाना है हमको वहाँ पे, एंड देयर इज अ सिंधु दुर्ग फोर्ट हियर। कितना लंबा है। मैचो मैन। बीच पे ही वॉक करते करते हमें एक बोट मिली जो कि जा रही थी स्कूबा डाइविंग के लिए। तो हमने उसको ऐसे ही पूछ लिया, तो ही सेड 800 रुपीज़ फॉर द स्कूबा डाइविंग। तो हम दोनों तैयार हो गए स्कूबा डाइविंग करने के लिए। और स्कूबा डाइविंग करने के लिए स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है स्कूबा डाइविंग। तो चलते हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। स्कूबा डाइविंग नॉर्मल प्राइस है स्कूबा डाइविंग का 1000 रुपीज़, और उसके साथ आपका वीडियो फ्री में वो निकालेगा। तो चलो चलते हैं। तोंडून श्वास खेचायचा आहे आपल्याला, जेवढा श्वास पाहिजे तेवढा खेचायचा आहे, तेवढाच बाहेर सोडायचा आहे। ओके, तर कम्फर्टेबल असाल तर तुम्हाला जास्त सिग्नल जायचं। ओके, मी कम्फर्टेबल आहे। ओके, जर पाण्या खाली गेलात मनामध्ये भीती आहे, वरती यायचं असेल हात पालवायची काही गरज नाही आहे, त्याला फक्त साईन दाखवा अप, तुम्हाला वरती घेऊन येईल। ओके, करायचं आहे तोंडाने श्वास घ्यायचा आहे, जो आपले कान दुखायला लागतील त्यावेळी काय करायचं आहे, तोंडाने श्वास घ्यायचा आहे, तो होल्ड करायचा आहे, नाक दाबायचं आहे, इथं तुम्ही आपलं नाक दाबू शकता रबराचं आहे। ओके, आपलं नाक दाबायचं आहे आणि फक्त नाकावर फक्त प्रेशर द्यायचं आहे, म्हणजे आपले कान असे ओपन झाल्यावरती आपलं वाटतील। बघा इथे करून बघा, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल आपल्याला काय करायचं आहे पाण्याच्या खाली। कपल शूटिंग पाहिजे। हो, 404 कपलचा नॉर्मल गेला तर फुकट आहे। कपल शूट के लिए उसने 400 रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज किया वीडियो शूट के लिए। स्कूबा डाइविंग होने के बाद आपको बीच पे आना पड़ेगा अपना वीडियो लेने के लिए। सारी एक्टिविटी करने के बाद पैर धोते हुए कैसे लिया तूने वीडियो? पूरा तो आ नहीं रहा। नहीं सकता। क्या क्या थाली में? थाली मंगाया है। थाली में क्या क्या है? सुरमई, ये सुरमई थाली है, ये प्रॉन्स थाली है। वाह। सोलकड़ी? सोलकड़ी दिया है, सलाद दिया है, फिर रोटी है, राइस है, एंड दिस इज करी, मालवन करी। सुबह या रात को? वो बोट अपनी है, वो सामने वाली। और ये मैं लाया अपने गुल्लू को, गुल्लू मेरा बेबी, मेरा बेबी। और ये जो बोट यहाँ पे खड़ी है, ये हाउस ऑन द वेव्स, हाउस ऑन वेव्स। तो ये हमने बुक किया है, तो रूम टूर कराते हैं इसका। चलिए चलते। सो यू हैव टू बुक फॉर हाउस ऑन वेव्स। If you want Sagar Sangam, so you would be getting those rooms. You can those room. Rooms. Yeah, so it is also sea view, but they are from the top. But if you want on the waves, that is this house on waves. It is very beautiful. You can see. And the water is crystal clear. Crabs bhi hai yahan pe. There are four rooms.
वोटिंग करना तो यहाँ से वोटिंग करने के लिए भी जा सकते हैं विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस. Enjoy the seashore ambience. Yeah, seashore ambience. Okay, so this is the first show. ये गैलरी है. This is the gallery. What a FFF location, यार. Wow. It's just wow. यहाँ पे रात को चिल कर सकते हैं, दारू पी सकते हैं, बियर पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं. नाउ लेट्स टूर द रूम. नो, यहाँ से भी बैक एंट्रेंस है एंड फ्रंट एंट्रेंस. सो वील गो फ्रॉम फ्रंट एंट्रेंस. सो लेट्स डू आवर रूम टूर. रूम नंबर 3. दिस इज रूम नंबर 3. लेट्स गो. रूम के एंट्री करते ही देयर इज अ वॉशरूम. दिस इज द वॉशरूम. सो यू कैन सी इट इज लाइक नाइस वेल हाइजीन्ड वॉशरूम. हियर वी आर गेटिंग टू टॉवेल्स एंड टू नैपकिंस. ये ऑलरेडी हमने रूम का अनबॉक्सिंग कर दिया है. हम लोग अभी स्कूबा डाइविंग करके आए. हमारे कपड़े सूख रहे हैं. यहाँ पे फैन लगा दिया है. यहाँ पे छोटा सा टीवी दिया है लोगों ने. स्टार्ट अभी किया नहीं हमने. बेड इज ऑल्सो कुशन अच्छा है इसका बेड का. और एवरी टाइम व्हाट वी डू इज वी फाइंड अ प्लेस कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा व्यू हो एंड मतलब एग्जैक्टली या कि कुछ ऐसा हटके हो. हटके नहीं तो फटके, सीधा फटके. सो ये टाइम पे भी हमने ऐसा रूम ढूंढा है कुछ हटके है और अभी वही हम दिखाने जा रहे हैं. तो अभी मेन जो रूम का व्यू है वो दिखने जाएंगे अपन. सो वैनिला, यस, ओपन द कर्टन. कर 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 कटा. वाव, इट्स जस्ट वाव. लुक एट इट. ओपन इट. लुक एट इट. लेट्स गो. सोचते थे कि अरे समुद्र के बाजू में घर हो. ये तो समुद्र के ऊपर ही है. तो समुद्र के ऊपर ही है. दिस इज इट यार. वाओ 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 वाओ. फ्लोइंग वाटर्स. दूर दूर तक सुन बटे सन्नाटा. दिस इज आवर रूम. बेडरूम वी हैव एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम बेडरूम. सिंधुदुर्ग फोर्ट. सारे वाटर एक्टिविटी सिंधुदुर्ग फोर्ट पे करने के लिए बेस्ट है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है और आपको सस्ते में मिलेगा. तो अगर आप पैकेज लेते हो तो आपको पैकेज में सब इंक्लूड रहेगा. पैरासीलिंग, स्कूबा डाइविंग, बनाना राइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फोर्ट ऑलमोस्ट 6 बजे तक बंद हो जाता है तो आप 5 बजे तक आने का यहाँ पे ट्राई करिए. और फोर्ट के अंदर आपको खाने पीने की सब सामान मिलेगी तो उसका टेंशन मत कीजिएगा. फोर्ट बहुत बड़ा है और आराम से घूमिए. ये जेटी से उतरने के बाद ये वाला रास्ते से फोर्ट को जाना है. हम लोग चल रहे चल रहे पर पहुंच नहीं रहे. बस चल पहुंच नहीं रहे. उधर जाना है तिकड़ना सवरती जाऊन. स्लिपरी है आराम से. लेट्स ट्रैक. लेट्स ट्रैक टू दी माउंटेन एंड फाउंटेन. आराम मत से तो है. इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की पूरा घूमते घूमते हम लोग फुल एग्जॉस्ट हो गए थे. बसुंगे. ओहो, व्हाट अ व्यू. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. फोर्ट की खूबसूरती देखने के लिए ड्रोन शॉट मारते हैं और देखते हैं ऊपर से ब्यूटीफुल फोर्ट कैसा दिखता है. We'll be right back.
हर जगह बैटरी है, हर जगह जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ बैटरी है। गोइंग टूवर्ड द सुनामी आइलैंड, देवबाग बीच से जाते हुए टूअर जी सुनामी आइलैंड, जहाँ पे हमसे 800 रुपये चामा गया है सुनामी आइलैंड ले जाने के लिए, और उन्होंने बोला है कि हमें पर्सनल बोट दी जाएगी और हम उससे पूरा समुद्र का रास्ता सफर करेंगे। अच्छा प्लेस है, हैपनिंग लग रहा है फुल। ये हमने पर्सनल बोट किया खुद के लिए, बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है, पैसा बता नहीं सकता हूँ। पर कहाँ पर जा रहे हैं अपन अभी? सागर संगम है, जहाँ पर दो रिवर और नहीं रिवर और समुद्र मिलते हैं। तो आफ्टर दैट वी विल गो टू सुनामी आइलैंड में। क्लाइमेट सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, क्लाइमेट इज ऑसम, मतलब धूप है बट यू कैन बेयर, और ह्यूमिडिटी बहुत कम है। 400 पे कर रहे हैं डॉल्फिन जाने के, उसके पहले 800 पे किया है सागर संगम देखने के लिए और सुनामी आइलैंड जाने के लिए, एंड 400 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं डॉल्फिन देखने के लिए। और वहीं पे बाजू में लाइट हाउस भी है, जो कि वहाँ पर भी स्कूबा डाइविंग होती है और एक नंबर वाली स्कूबा डाइविंग होती है। हमने उसके वीडियोस देखे हैं और वो वीडियोस शेयर नहीं होते बिकॉज़ वहाँ पे एनटीडीसी अलाउड शेयर नहीं करता। सो वो वहाँ पे जो लाइट हाउस के वहाँ पे जो स्कूबा डाइविंग होती है 4,500 के रेंज में है, और वहाँ पे शार्क्स देखने मिलते हैं। और होपफुली नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लाइट हाउस ही जाएंगे और स्कूबा डाइविंग करेंगे। और वो 3 आवर्स आपको ट्रेनिंग देगा, पहले 3 आवर्स की ट्रेनिंग है, फिर बाद में और कितना 40 मीटर डीप है, 40 फीट। ये देख, वाओ वाओ। यहाँ अब ब्लैक है पानी, पुरसा उधर का पानी ब्लैक है, ये लाइट है, वो नदी का पानी है, ये समुद्र का पानी है। दिन में 2 बार हाई टाइड, 2 बार लो टाइड। ये सब होटल से यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे खाने का पीने का है, एंड इट इज दिख रहा है, बेस भी दिख रहा है यहाँ पे, खाना सर्व किया जा रहा है, दिख रहा है ये आ रहे खाना सर्व करने के लिए इन लोग को बोट पे। गो आराम से, सैंड है, आराम से मुन्नू, बोट है उधर, चल आ गया, एक मिनट ये हम आ गए थाईलैंड में। थाईलैंड आइलैंड में यहाँ पे सुनामी आइलैंड है, नको सुनामी आइलैंड मध्ये आम्ही घेणार आहोत वडापाव, मिसळ पाव, ऑमलेट पाव, उकडीचे मोदक। कुठे गेलीस का तू? मग इकडे आपण जेवूया, वडापाव विडापाव घेऊ ना आपण, काहीतरी घेऊ, काय बोलतेस? हा मग इकडे विचारवे तरी काय आहे ते बघ, पाणी बघ, ए मिसळ पाव आहे का? काय वडापाव, मिसळ पाव काय पाहिजे? पॅरासेलिंग, पॅरासेलिंग ಎಲ್ಲ
पहले तो ये देखो कि हम कितने टैन हुए दोनों भी पूरा कैसे गए थे और कैसे आ रहे हैं। फाइनली हमारा ट्रिप एंड हुआ है। अभी एक्चुअली हमने रिटर्न टिकट बुक नहीं किया था, सो एक एडवाइस है प्लीज अगर जा रहे हो, आ रहे हो तो भाई टिकट बुक करके आना, टू एंड फ्रो सबका करके आना। हमने एकदम इमरजेंसी में किया तो हमको टिकट नहीं मिलेगी। एक पर्सनल कार रहेगी तो लेके आना, नहीं तो मत आना भाई। अभी यहाँ से जाने का हमारा 5,000 पर हेड लग रहा है मुंबई जाने के लिए भाई। बस नो ऑप्शन एट ऑल। बहुत टायर्ड है और अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है तो वहीं पे रहते तो और अच्छा रहता ना। वेलकम बैक